कोरोना का खौफ, भारत ने खुद को दुनिया से किया अलग। सरकार ने 15 अप्रैल तक देश में सभी पर्यटन वीजा निलंबित किए। WHO ने कोरोना को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमितों की बढ़ रही है संख्या। 18 साल बाद हाथ जोड़ कमल के साथ सिंधिया, 6 मिनट में मिला राज्यसभा टिकट। पटना में कोरोना वायरस की आड़ में लूट, जक्कनपुर थाना के ठीक सामने घटना को दिया अंजाम। 3 महीने में आएगी नई साइबर सुरक्षा नीति, भारत बना दूसरा सर्वाधिक साइबर क्राइम वाला देश। यस बैंक के ग्राहकों को राहत, चालू हुई RTGS सेवा। ग्राहक अब 2 लाख रुपए से ज्यादा के क्रेडिट कार्ड और कर्ज का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। SBI ने सेविंग्स अकाउंटर पर ब्याज दर घटाया, लेकिन ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस से मिला छुटकारा। होली के बाद शिवपाल सिंह यादव बोले, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव। इस साल 21 जून को लेह में आयोजित होगा 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। ईरान की जेलों में कोरोना वायरस फैलने की रिपोर्ट, अमेरिका ने कहा अब हमारे कैदियों को भी रिहा करो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।